भीड़ तो बहुत जबरदस्त है गाइस, मजा ही आ जाएगा आज मेले में। गाड़ी फंस गई हमारी गाइस, पीछे से भी पैक आगे से भी पैक। और व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आ गए हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले खूब सारा मस्ती। तो जैसे कि आपको पता होगा, हर व्लॉग के लिए मैं और पापा हमेशा जाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना अपने साथ अपने बच्चा पार्टी को भी लेके जाया जाए और अपनी मम्मी को भी लेके जाया जाए। बट ये चीज उनके लिए सरप्राइज है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो चलो पहले इनसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है। बच्चा पार्टी, तुम लोग को पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? किसी को पता है? तुमको नहीं पता? मम्मी आपको क्या? मुझे तो और कोई कुछ नहीं बताता, नहीं करता। सबसे ज्यादा पापा और मैं घूमते हैं। आप बताओ कि चार की कर क्या लेगी? क्या कर लेगी तू? जाना तो तुझे हमारे साथ ही है। उखाड़ना क्या चीज है? ये केवल तुझे इस दुनिया को उखाड़ के फेंक देना है। गाइस क्या लगता है आपको, बेबी इतनी पावरफुल है? कमेंट करके बताना बेबी की पावर। फिर एक बार बेबी की पावर का हम लोग वीडियो बनाएंगे। अच्छा ऐसी मारते रहती मेरे को। अरे 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 गाइस, और मैंने आज बन्नी वाला है। हमारा भी कैसा हो, पिंक कलर जैसा हो। पिंक कलर लड़कियों का पिंक कलर नहीं, हमारा भी कैसा हो, ब्लैक कलर जैसा हो। क्यों ब्लैक कलर? क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट है। ब्लैक मेरा भी फेवरेट है। मेरा ब्लैक कोई नहीं है। सबसे गाइस ब्लैक मेरा फेवरेट है। बस ये दीदी का ब्लैक स्वेटर मेरा हो गया। अच्छा गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी, तो चलिए चलते हैं अपनी कार के पास। धन्नो रानी, अरे नहीं धन्नो रानी तो मेरी है साइकिल। गाइस देखो मेरे डिंपल आता है। पापा से पूछेंगे पापा अपनी कार को क्या मानते हैं। बूम ब्लास्टर, वाह तू चलो हट। पापा अपने कार को बूम ब्लास्टर मानते हैं। मुझे तो मेरी धन्नो रानी ही पसंद है। मेरे पास एक रेड कलर की साइकिल थी जिसको हम बेच आए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं ला 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 ला। तो गाइस देखो मैं बता, गाइस अपनी नई साइकिल के लिए मुझे इसकी साइकिल को बेचनी पड़ी। लॉल कमेंट में बता दो कैसा लगा, क्योंकि मैंने अपनी साइकिल इसकी साइकिल को एक्सचेंज करके लिया है। वाह ये बहुत बैड बॉय है। बैड बॉय, बैड बॉय, बैड बॉय। गाइस यार ये वाला शर्ट मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको चेंज कर दूं। तो फटाफट से इसको चेंज कर दूं। गाइस कर लिया मैंने चेंज फटाफट से जादू से। इट्स मैजिक। तो चलो अब फटाफट से हम लोग चलते हैं कार के पास। चलो 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 भाग गए। चलो गाइस चलते हैं। फिलहाल गाइस अपन अभी बैठ चुके हैं कार में, इतना खटर पटर रोड में। अरे बाप रे ट्रैफिक बहुत है आजकल। तो अपन अभी बैठ चुके हैं कार में। आप कुछ नहीं बोलना चाहोगी? मैं बता रहा हूँ, हम लोग सोचे कि थोड़ा शाम को टाइम निकलेंगे, तब तक के लिए सब सो गए और अभी हम लोग पियेंगे चाय। ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं बोलते। जब तब तक के लिए सब सो गए, उसके बाद सब उठे, तब अपन फटाफट से निकले क्योंकि लेट ना हो जाए, वरना शाम ढल जाएगी तो वहाँ पे व्यू भी नहीं आ पाएगा। मैं आराम से सो रही थी। मैं बताता हूँ आपको, टाइम है शाम का और अभी अपन निकल चुके घर से बाहर। चाहे कहीं पे भी हो, हम शाम अगर हो गई, चाय का हमारा टाइम हो गया तो हमें चाय पीना ही है। मैं सो के उठी हूँ ना, तो हमारे फैमिली में कोई भी इस टाइम चाय पीता है, मतलब सब इसी टाइम चाय पीते हैं इस टाइम सुबह, और कभी कभी तो रात को हम लोग चाय नहीं पीते, रात को कभी कभी कॉफी पीते गाइस। और रात में ना कभी किसी दिन अगर व्लॉग रात तक चला ना तो हम लोग आपको कॉफी पीते हुए भी दिखाएंगे, है ना मम्मी? मजा आ जाएगा, फिर कॉफी पीते रहेंगे हम लोग। और रात का ये मतलब ठंडी में भी हम लोग रात को जग के एंजॉय कर लेते हैं। ठंडी में रात को जगते हैं, और कभी कभी क्या होता है पता है, रात को तो बहुत यार हम लोग ना गर्मी के टाइम पे रात को मम्मी पापा के रूम में कंप्यूटर है ना, तो वहाँ पे जाके हम लोग 36 घड़िया मूवी देखते हैं। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से यार बड़ा
मजा ही आ जाता है यार, एक से एक मूवी लगाते हैं पापा छत्तीसगढ़िया, उनको ज्यादा पता है ना। तो टाइम हो गया चाय का, तो पापा का मन किया चाय पी लिया जाए, तो वो देखो पापा चाय ले रहे हैं। पापा गाड़ी लॉक करके गए हैं, कहाँ लॉक है ये देखो। अरे ये देखो हमारी चाय ट्रे में ही आ गई। बंद करना, तू क्यों खोली, चलो धर लो अपनी चाय। आहा, मस्त लग रहा है, चलो गाइस इसे पीते हैं। आप ना हमारे कई वीडियो में हमको चाय पीते हुए देखे होंगे, है ना, देखी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चाय तो पी लिया हमने, अब चलते हैं अपने अपने कहाँ, हमने तो आपको बताया ही नहीं है, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो फटाफट से वीडियो को एंजॉय करो गाइस, तब आपको पता चल जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अपन इनको भी नहीं पता, हाँ हमने इनको भी नहीं बताया, पापा और मेरा सरप्राइज है ये प्लान पापा और मैंने बनाया है, तो ये सिर्फ हमें ही पता है, इनको तो कुछ पता नहीं होने वाला। चलते हैं गाइस, बिना किसी इंतजार करवाए आपको, बहुत इंतजार करवा लिया क्या, इतना भी नहीं हुआ है। सिविक सेंटर जा रहे क्या? सिविक सेंटर, हाँ मैं समझ गई। सिविक सेंटर, अरे धीरे धीरे पहुँच रहे हो सब, रास्ता से सबको पता चल रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप सिविक सेंटर नहीं जाता, और भी कहीं जाता है, बस आप थोड़ा पास हो उसके, सिविक सेंटर से थोड़ा पास हो, थोड़ा और दिमाग लगा। हाँ बस इतना समझ लो कि थोड़ा पास है, मम्मी बस थोड़ा सा चुप गई है। तो गाइस आ गए हैं अपन अभी सुपेला चौक, और बस अब आपको वो नजारा दिखने वाला है। ये देखो गाइस, कुछ समझ में आ रहा है आपको, तो चलो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये कुछ मेला, पहले हमको करना पड़ेगा। हाँ कुछ मेला जैसा लग रहा है मैं। तो गाइस अभी अपन कर रहे हैं रोड क्रॉस, और भीड़ तो बहुत जबरदस्त है गाइस, मजा ही आ जाएगा आज मेले में। नन्नू कैसा लग रहा है तेको, क्या सोची है, क्या क्या खरीदेगी? हाँ अगर कोई इयररिंग्स की दुकान दिख जाए। इयररिंग्स की? नन्नू हमारी ये पहनती हूँ मैं गाइस। वाओ गाइस, ये तो अभी एंट्रेंस है, एंट्रेंस में इतनी भीड़, अंदर तो अभी बहुत जाना है हमको, मजा ही आ जाएगा, बहुत बड़ा मेला लगा है। ये देखो गाइस पानी पाउच की दुकान भी लगा दी है, परफ्यूम परफ्यूम, अरे वाओ, इत्र इत्र को देखेंगे, इत्र पापा को इत्र बहुत पसंद है, चलो देख लेते हैं कैसा लगता है, कैसा है मेरे को दिखा। हाँ मस्त है, रन्नू का स्टार्टिंग हो गया शॉपिंग यहीं से, देखो जूती लेगी अब। ये देखो अपने शॉपिंग में लग गए मम्मी और रन्नू, दोनों को यही सब पसंद आता है। अरे आगे और दुकान मिलेगा, चलो भाई जी अपने हाथ से बनाया भैया ने, चलिए अब अपन चलते हैं आगे, सामानो हर चीज की दुकान है यहाँ, कुछ नहीं छूटा। सामने देखो बलून्स भी, अरे महंगा दे रहे तो क्यों ले रहे हो, चलो ना। अरे गाइस ये देखो सुंदर सुंदर डॉल्स, खिलौने 50 ही जोड़ी है, पिछले बार हमने लिया था ये मेले में, मजा आ रहा है यार, मेला तो बहुत बढ़िया लगा है इस साल, ये हर साल लगता है यहाँ पे। सामने देखते हैं गाइस क्या फंक्शन चल रहे हैं। वाओ गाइस क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे, पंडाल को इतना सुंदर डेकोरेट किया गया है, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। मेरे 90 साल के पिताजी उप रहे हैं, मेरे पिताजी रहे हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया, इस संसार में आया है, इस श्राप सरसे से जर 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 तक पहुंचा रहे हैं, और निवेदन करके उस जगह हमको जगह मिल जाए जहाँ हम अपना वाणी भरोसे करके उसके साथ पास पड़ोस और गांव समाज घर 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 पे आते बैठे। तो चलो गाइस अब थोड़ा हम भी मेला घूम लिया जाए। ये देखो घूमने स्टार्ट नहीं किए इन लोग, पहले ही पहुंच गए यहाँ पे। एक ही चाहिए 30 रुपए का एक, 50 का दो, 25 का एक, एक ले ले 25 दे दे।
अभी तक बेचा कि नहीं बेचा कुछ नहीं बिका। हमारे छोटी सी बेबी को होना तो चाहिए पहले। ये नहीं आ रहा बेबी को, छोटा है बच्चा। ये यहाँ पे इनको ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है लगता, इसलिए यहाँ टवक गया। तो चलो गाइस अब इधर चलते हैं। यहाँ तो बेबी के लिए भी है छोटा छोटा, वो देखो वो चमक वाला, उधर भी है। अच्छा रहे गाइस यहाँ पे तो बेबी, तेरा ये वाला सैंडल ले आ गया बेबी, कैसा लग रहा है? चले अब खड़े क्यों, चलो ना आगे चलते हैं। अब 500 में दो जीन्स मिल रहे रन्नू को। बेबी रन्नू तू तो नाप ही नहीं पाएगी, कैसे आएगा देखो। अच्छा हाँ यार, रन्नू का समझदार ट्रिक, ये वाला तुम्हें को याद ही आ गया था। गले में ऐसे नापने से आ जाता है। हाँ ये गला का नाप ना, यहाँ का नाप होता है कमर का नाप। हाँ तो गाइस आप भी अगर जहाँ पे आप अपने जींस को नाप नहीं सकते, हाँ यार आप अगर नाप नहीं सकते वहाँ पे आप इसको अपने गले में दिखा, कैसे ऐसे करके गले में ऐसा नाप, कमर नापना तो ऐसे गले में नाप लो, ये आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपके गले में आ रहा है इसका मतलब आपके कमर का साइज भी सेम है, तो फिर नहीं आएगा। हाँ ज्यादा बड़ा हो गया। वाह यार रन्नू समझदार, अच्छा हुआ याद आ गया। बस आपको लंबाई ऐसे नापनी पड़ेगी, लंबाई के लिए कोई नहीं है ना, मैं नहीं जानता इसके लिए। इनोनी कैसा लगे तोला? तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं मेला से, चलते हैं कार के पास हमारे पार्किंग में। और पार्किंग आप देखोगे तो चौक जाओगे हमने कहाँ पार्क की है कार को। हम जब भी मेले में आते हैं ना तब हम लोग पॉपकॉर्न जरूर लेते हैं। चलो अब हमने पॉपकॉर्न भी ले लिया। गाइस देखो बेबी ये चप्पल का झुल्ली पकड़ी थी और इसने फाड़ दिया। तूने फाड़ा ना, फाड़ा ना गंदी बच्ची। तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे भूपेश बघेल भी आने वाले हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, और वो देखो उनके आने के खुशी में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। पर अभी हमको निकलना है तो हम लोग चलते हैं अपनी कार के पास। और हाँ मैं क्या बोल रहा था आपको, पार्किंग हमने कार अपनी कहाँ पार्क किया आपको पता है? चलो दिखाता हूँ। मम्मी ऐसे क्यों पकड़ी हो? फट गई झिल्ली यार, है झिल्ली फट गई। गाइस तो बेबी जो है ना जूते के चप्पल की झिल्ली फाड़ दी है अपनी। गाइस ये देखो ये हमारी कार है और यहाँ पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की है। पर अब एक झंझट हो गया है, गाड़ी फंस गई हमारी। गाइस पीछे से भी पैक, आगे से भी पैक, और अपन यहाँ खड़े हैं। अब पापा देखते हैं इसको काट के निकालते हैं, थोड़ा इस गाड़ी को तोड़ दे पापा, ठोक दो या पापा की तुम मदद कर दो बेटा, पापा की मदद। हाँ वो कैसे थोड़ा वो मोड़ लेंगे, वो मैं धीरे धीरे रोक के हाथ दिखा के मोड़ दूंगा। पापा लाओ पीछे लाओ, पापा पीछे लाओ, पीछे पीछे लाओ, लाओ लाओ पीछे लाओ ना आगे। हाँ पापा जगह है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अरे ले जाओ, अरे ले जाओ जी। हाँ ले तो गए, चलो काट लो काट लो, पीछे कर लो पीछे कर लो, पूरा जगह खुल्लम खुल्ला। आओ ले आओ पापा, ले आओ पीछे ले आओ, अरे पीछे ला सकते हो यार तुम, पीछे ले आओ ले आओ। हाँ ला लो ला लो ला लो ला लो, निकाल लो बस। अरे ये गाइस हमारी कार निकल गई यहाँ से, एक्सपर्ट एक्सपर्ट पिताजी। रुक जाओ पापा को पूरा काट लेने दो, आप चलते हैं अंदर, कार हमारी फंस गई थी। हाँ तुम लोग कितना लेट करवा दिए ना, चलो चलो बैठ जाए बैठ जाए, अंदर घुसते हैं। ये क्या है, कौन हो तुम, उधर घुसको घुसको। गाइस एक बार दूर से देख लो,
मजा आ जाएगा। तो चलो पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं मस्त एकदम। क्या बोल रही थी यार, भूख लग रही है। बेबी के पास जो हमने वहाँ मेले में देखा वो अब बेबी को आ नहीं रहा था फिट, तो बेबी सोच रही है मैं अपने लिए खुद से बनाऊंगी। हाँ। बेबी का दिमाग, बेबी सोच रही है मैं कुट्टे से अपने सर पे ऐसे ग्रीन वाला बनाऊंगी। उसका प्रोजेक्ट बनाना है वैसे ही कुछ भी। हाँ। मैडम हाँ वो। अरे बाप रे क्या बोलते हैं। अरे और गाइस मैं आप लोगों को सांता क्लॉस का चेहरा बनाना है। गाइस बेबी को प्रोजेक्ट मिला है सेंटा क्लॉस का फेस बनाना है, उसके साथ उसकी कैप भी रहनी चाहिए। मैं वीडियो दिखाती हूँ आप लोग को क्या क्या बना। अरे चलो ना आप बनाओगे ना तब हम लोग आपका वीडियो बना लेंगे। ठीक है गाइस तो आप भी देख लेना उसको। अभी चलते हैं, सबसे पहले कुछ खाते हैं, भूख लगी है। अरे हो गया यार, अरे बस कर रहा भाई, बहुत बोल लिया तूने। कुछ खाने का मन करे तो आपके स्कूल में कर रही है, कंजट कर रहे हो। बता पहुँच गए पापा लेके आते हैं दबेली। तू गंदी बच्ची है मेरे को पता है। दबेली 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 गिरा दिया मुझे तू। आ जा उठ जा उठ जा बच्चा। गाइस ये देखिए हमारा ताजमहल, आपको अगर ताजमहल देखना है तो देख सकते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ का ताजमहल है और ये बहुत ही प्रसिद्ध ताजमहल है। अगर आपको ताजमहल के यहाँ देखना है तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। ये है सुपेला और उसके पीछे में पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ताजमहल इतना बहुत बड़ा है ये ताजमहल, ये सब दुनिया का सबसे बड़ा ताजमहल है। हाँ गजब बेइज्जती है। ये देखिए गाइस हमारी तबेली रेडी हो चुकी है, बन गया हमारा भी आ गया है। चलो मैं भी खाता हूँ अब। गाइस इसका बन भी बहुत बड़ा है, देख सकते हो हर जगह से तो बड़ा ही है। क्यों क्यों खा रहे हैं? अरे आपको आरामदायक बैठने को मिल रहा है और क्या, बस तो बैठ के खाओ, बन भी बहुत बड़ा है। पापा इसीलिए तो जानबूझ के अपनी पूरी गाड़ी चमका देंगे पापा छोटे से कचड़े के लिए, है ना? बेबी को ही फंसाते हैं। चलो अब मैं खाता हूँ, बकर बकर मत करो, भूख लग रही है मेरे को। गाइस अभी हम लोग जहाँ पे है मतलब सुपेला, यहाँ से हमने मतलब मैंने अपना फोन लिया था रेडमी नोट 10 प्रो। ये मजा आया और वो ना अभी अभी लॉन्च हुआ है तो मेरे को बहुत ही मजा आया, एकदम लॉन्च डे नया फ्रेश फोन मिला मेरे को, क्योंकि पहचान लेते हैं। खुश मत हो। क्यों? क्योंकि ये मेरा फोन है इसलिए तेरी जल रही है। नहीं गाइस इसका फोन तो अपने अपने फोन में इसको ऐश करने का, मैं जब बड़ी होंगी तो मेरे लिए भी फोन ले। क्या लेगी तू, आईफोन? नहीं मेरे पैसे से नहीं, ये लूंगी और अपने पैसे से ना। ए रनू एक आइडिया, इसका किडनी बेच देते हैं, दो किडनी ठीक है, एक दो और हम दोनों ले लेते आईफोन। ये तेरी ऐसी की तैसी बहन की कितनी बच्ची की, कितनी गंदी बच्ची है तू। बाहर के कुत्तों को ना खाना नहीं मिला है। क्या बोली? बाहर के कुत्तों को खाना नहीं मिला, हम तेरे कुत्ते नहीं थे, हम तेरे पास है, तेरे भाई है, बहन है। मतलब भाई समझता है कि मैं एक कुत्ता हूँ। जो है सुबह का डायलॉग, बाहर के कुत्ते खाना नहीं मिला, हम तेरे कुत्ते नहीं थे, हम तेरे पास है, तेरे भाई है, बहन है। मतलब भाई समझता है कि मैं एक कुत्ता हूँ। हाँ, जो है तू भी है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गाइस वो देखो पापा ले रहे हैं भुजिया और हम प्लेट, ये है हमारे पापा और हम प्लेट। पापा इधर देख रहे हैं, हटो। गाइस वो देखो पापा इधर देख रहे हैं, मैं कैमरा चालू किया हूँ तो। वाह और मैंने ना खाने के लिए ना प्लेट पकड़ी। यार रन्नू सुनना, जाना 10 का मोमोज ला दे यार, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। 10 का 4 पीस मिला है और हम लोग है भी 4 लोग। चलो एक एक उठा लो, मम्मी को भी दे दो। मम्मी को दे दो मम्मी। अरे चटनी तो ले लेती, मेरे हाथ में छुआ दी रे, रुक जा हमको खा लेने दे पहले। मम्मी के प्लेट में दे, देखो दीदी मेरे प्लेट में। हम लोग ज्यादा नहीं लिए क्योंकि पापा भुजिया लाएंगे। अभी मुंह चलाने के लिए हमने सोचा ले लिया जाए। मैंने 10 का और मंगवा लिया क्योंकि अच्छा लग रहा था थोड़ा, है ना, टेस्ट अच्छा है। हमारा 2 मोमोज आ गया और पापा अभी तक भुजिया नहीं ले आए। एक प्लेट और खा लिया जाए, पापा को मम्मी को दे दे। आहा गाइस अब एक और मजा आ जाएगा। आ गया हमारा भुंजा। अरे प्लेट ये है ना,
वो पकड़ी है, चलो खा लिया जाए, प्लेट हम लोग बचा के रखे हैं। गाइस मजा आ गया यार पुंजा खा के, बहुत टेस्टी है। गाइस हमने दो मंगवाए हैं, एक सादा और एक मिर्ची वाला। वो देखो मम्मी खोल रही है, इसमें मिर्ची मिक्स है, जो चटनी मिलता है हमको वो वाला मिक्स। तो गाइस अभी अपन पहुंच चुके घर और अब मैं अपनी कॉफी इंजॉय कर रहा हूँ। क्या बेबी की सैंडल, बेबी अपनी सैंडल आपको दिखा रही है, तो कमेंट में बता देना इसके लिए कि कैसा लगा आपको। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अब घर, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं अपनी कॉफी इंजॉय करता हूँ रात की गर्मा गर्म। यार बोलते कि कॉफी पीने से नींद नहीं आती है ना, नहीं नहीं चाय पीने से नींद नहीं आती और कॉफी पीने से अच्छी नींद आती है, ऐसा बोलते हैं। तो चलो मैं कॉफी इंजॉय करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय। और वीडियो को वीडियो पसंद आए तो फटाफट से कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन ना अभी मत भूलिएगा।